जीने का सबक सीखा साईं के फकीरों से, तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों से। 1 2 3 4 शीश दुकाने आए हैं, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जो लोग शनि देव को अपने दिल में बसाते हैं, शनि देव उसके घर जरूर आते हैं। और जो लोग शनि देव को अपने घर बुलाना चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर करेंगे ताली के साथ। आहा क्या बात, उनमें खुद में दोष होता है, कमी खुद की, दोष शनि को। कमाल है, शनि कभी शत्रु नहीं, शनि हमेशा भला ही करता है। ये तुम्हारी करनी होती है जो तुम्हें गलत दिखाती है। कमाल है, शनि एक ऐसा रूप है, एक ऐसा सबक है जो इबादत करने का सही सलीका सिखाता है। कि जब इसके दरबार में कोई जाता है तो आप देखे शनि गुस्से में नहीं, मुस्कुराता है। क्योंकि तू हंसता हुआ अगर आया है, अगर मैं मुस्कुराऊंगा तो तू भी मुस्कुराता हुआ जाएगा। ये शनि का आदेश है। जितने लोग यहां बैठे हैं शनि दरबार में, साईं दरबार में, मां के दरबार में, गुरु नानक के, उस अल्लाह के दरबार में, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। गलती खुद करते हैं, दोष भगवान को, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। और जितने लोग यहां बैठे हैं उन सभी के लिए यही कहना है, हमारी माता बहने गौर से सुने, श्री गणेश यानी हमारा आगाज अच्छा हो तो अंजाम तो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। इसे श्री गणेश कहा जाता है। बिस्मिल्लाह। जितने लोग यहां बैठे हैं आप सभी की नजर है शेर। इस दरबार में बच्चा बन के सब खाते हैं, बाप बन के कोई नहीं खाता। और जो लोग बच्चे बन के आए हैं दोनों हाथ ऊपर करेंगे, जो बाप बन के आए वो हाथ नीचे रखें, दोनों हाथ बताली के साथ। मुझको भी साईं सदा सुहागन कर दे मेरे स्वामी, मुझको भी साईं सदा सुहागन कर दे। सदा सुहागन हमारी माता बहने बैठी हैं। सदा सुहागन की डेफिनेशन ये है, लफ्ज़ी मायने, दुनिया में जब औरत पति परमेश्वर के घर जाती है तो सिंदूर यहां से लगाती है। कहां से? यहां से। यहां से तो नहीं लगाते ना। जब पति परमेश्वर के घर जाती है तो सिंदूर यहां से लगाती है, जब पति परमेश्वर के घर जाती है तो टीका यहां से लगाती है। टीका यहां से लगाती है, मट्टी यहां से लगाती है, भभूति यहां से लगाती है। इसलिए अगर ये सलामत तो ये भी सलामत, और ये सलामत नहीं तो ये भी सलामत नहीं, वही सदा सुहागन कहलाती है। दोनों तो बता ली के साथ आए। मुझको
पिसाई सदा सुहागन कर दे मेरे बाबा तुझको पिसाई सदा सुहागन कर दे दुनिया तारे मार रही है दुनिया तारे मार रही है दुखिया तुझको लाता तो बहुत कुछ है लेकिन वो नहीं लाता जो बहुत जरूरी है। वो जरूरी क्या है कि ना मैं तकदीर लाई हूं ना मैं जागीर लाई हूं, ना मैं तकदीर लाई हूं। अरे मैं अपनी तकदीर क्यों लाऊं, मेरी तकदीर तो आप हैं। ना मैं तकदीर लाई हूं ना मैं जागीर लाई हूं, मैं अपने दिल में अपने शनि साईनाथ की तस्वीर लाई हूं। जो लोग दिल में तस्वीर लाए हैं दो हाथ वगैरह तारी के साथ आह दुखियन पे कृपा करो और कर तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेव जय गणेश जय महादेव बोलिए दिया है तो ये मेरे साईं का कर्म है, उनकी जूतियों का तुफैल है,
उनके कदमों की धूल की वो कनी है, न जाने कौन से माथे पे लग गई जो मैं भी तर गया। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं जो पार करे नैया। मां पार्वती महादेव के दो बेटे, कितने? एक का नाम कार्तिक, दूसरे का नाम श्री गणेश। इसी तरह मुसलमान कल्चर में भी आदम और ईव के दो बेटे, कितने? एक का नाम आबिल, एक का नाम काबिल। दौड़ दो चार दिशाएं कितनी हैं, मौसम कितने हैं चार, और मजहब कितने हैं, दीवारें कितनी हैं चार। दौड़ दो चार हो गए, जब चारों मिल गए तो झगड़ा किस बात का भैया। दोनों हाथों पर चाली के साथ आए हैं। चरणों में जन्नत है, माँ के चरणों में जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है, बाप उसका दरवाजा है, माँ के चरणों में जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है। जन्नत तुझको यही मिलेगी, ये मेरा जय गणेश। 1 2 3 4 जिस्म से खून निकलता है तो समझो के जान है, जब जिस्म से खून निकलता है तो समझो के जान है, और जब पान खाते हो तो लाली आती है तो समझो के पान है। ये वो साईं का पान है। बोलो किस किस के चेहरे पे लाली आई है साईं के पान की। दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4
कुशाना लेना जानता है, क्योंकि लेना हमारा हक है। अगर पैदा किया है तो देने का हक भी है। क्यों? क्योंकि अगर तुझसे नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? जो कुछ मांगना है हक से मांगो, और जो लोग हक से मांगना चाहते हैं वही दोनों हाथ ऊपर करते हैं। दोनों हाथ ऊपर। कोई लाया फूल यहां, ओम ओम ओम।